पे आती है, दो वॉशले यहाँ पे आती हैं, टोटल होते हैं चार वॉशले हैं। अगर इसमें से एक भी वॉश उस कांड का मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ है, ये देखिए जो उसके डिस्पैड है ये रहे हैं, और यहाँ से जो हम इसके बस ऐसे नेट लगा के तो इसको टाइट करने कर देना है। और तो गुड मॉर्निंग है सबको, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब हेल्दी और सेफ होंगे अपने अपने घरों में। तो आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी कि भाई क्योंकि मेरी जो बाइसाइकिल है उसमें जो डिस्क है ना उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी आवाज़ टाइप आ रही है। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कि क्या कैसी आवाज़ आ रही है उसमें। तो आज देखेंगे कि भाई उसकी सर्विस हम कैसे आप घर में कर सकते हो पूरी। आपको मैं अपनी बाइक की कंडीशन चेक करा दूँ ज़रा, ये देखो बाइकिंग कंडीशन कुछ ऐसी है अभी यार, काफ़ी गंदी हो चुकी है क्योंकि काफ़ी देर से मैंने साफ़ नहीं की है। तो ये देखिए इस पर डस्ट जो है वो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी डस्ट है इस पर। इसकी चेन की हालत मैं आपको दिखाऊँ ज़रा, ये देखो, ये देखो चेन की हालत काफ़ी मतलब गंदी हो चुकी है चेन भी यार। और इसकी मैं आवाज़ सुनाऊँ जो मैं आपको कह रहा था ना कि चेन से आवाज़ आ रही है, वो भी मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। ये देखिए अभी मैं इसकी ओके ब्रेकिंग मार के बताता हूँ, इसकी मैं आवाज़ आ रही है टक टक की, ये सुनिएगा आप ज़रा। अब मेरे को लग रहा है आपने सुनी होगी आवाज़, दोबारा सुनिए। जो टक टक की आवाज़ आ रही है मुझे इसी चीज़ से प्रॉब्लम है, और ये काफ़ी जब चलाओ ना काफ़ी ज़्यादा आती है। अभी तो थोड़ी कम आ रही होगी, खड़ी हुई बाइसाइकिल है और ऊपर कोई बाहर भी नहीं पड़ा हुआ, और अगली रिक्शा भी सेम प्रॉब्लम आती है। और हम इसकी पूरी सर्विसिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जंग लग गया हुआ है खड़े खड़े, क्योंकि मैं काफ़ी कम चला रहा हूँ आजकल, अब मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पर चलाने की। ये देखिए यहाँ भी थोड़ा जंग लग गया, और जैसे पूरी बाइसाइकिल क्लीन करेंगे ए टू जेड। तो शुरू करते हैं, ये सबसे पहले आ गई जो किट के अंदर ही होती है, ये एलन की डबल साइड और ये एक छोटी एलन की। घर पे बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना, ये चाहिए आपको, एक इससे हार्ड वाला होता वो नहीं, ये देख लीजिए आपको समझ आ गया होगा मैं कौन सा बोल रहा हूँ, ये चाहिए आपको ठीक है। ये तीन स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ये तो हर एक के घर पर होता ही है। और ये चाबी हैं जो साइकिल जब असेंबल करना होता है ये उसी के साथ आती हैं, ये आपको मिलती हैं। और ये चाहिए, बस ये चीज़ें चाहिए आपको, तो यही चीज़ें चाहिए आपको अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए। और आज देखते हैं कि हम अपनी सर्विसिंग किस ढंग से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ साथ साथ में। तो इसकी सर्विसिंग के काम के लिए हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे अपना काम वो करेंगे इसकी डिस्क को साफ़ करने से। उसके डिस्क को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो डबल साइड एलन की आती है पहले इसको आपको भी यूज़ होगा, क्योंकि इससे हम पहले अपनी डिस्क को ओपन करेंगे। फटाफट से ओपन करते हैं अपनी डिस्क को। और जो मैं वॉशलों की बात कर रहा था आपसे वो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए वो है ये वाली वॉशलें, ये देखिए ऐसे ये पेज निकला, वो दो वॉशलें गिर गई ना, बस ये आपको ये चीज़ है ना, ये देखो ये जैसे है, ये चार वॉशलें आपको दिख रही हैं, एक दो तीन चार, इन चार वॉशलों की ही पूरी गेम है इसकी सेटिंग के लिए ठीक है। इन चारों वॉशल को आप जब देखेंगे ना, दो नीचे वाली साइड लगती है, दो ऊपर वाली साइड लगती है, और ये जो कपलर है बीच में आता है ठीक है, इस तरीके से बंद होता है। और इन चारों को आपको साथ में रख लेना, इनको रख देते हैं हम यहाँ पे साइड पे। अब अपनी करते हैं डिस्क ओपन, ये देखिए अब हो गई है हमारी डिस्क ओपन। तो जैसा आप देख लिया कि डिस्क ये हो जाए वो ओपन हो चुकी है, और ये देखिए इसके अंदर ये जो ब्रेक शू ये आपको दिख रहे हैं लाल लाल कलर के, एक ये वाला एक ये वाला, ये दो इसके ब्रेक शू है ये, और ये है इसका लॉक। लॉक मैं आपको नज़दीक से बता देता हूँ, ये देखिए ये जो आपके बीच में क्लिप जैसे दिख रहा है ये हो गया इनका लॉक। अब मेन है इसको निकालना, अगर ये निकल गया ना तो आप सर्विस आराम से कर सकते हैं। और जिसका एक होता है ऐसा क्लिप जो इस तरह से आता है, इनके बीच में एक आता है इस वाई टाइप का, वो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मेन आता है इसका, इसको निकालने के लिए आपको यूज़ होगा ये स्क्रू ड्राइवर। यहाँ से जो हम इसके डिस्क पैड जो हैं वो बाहर निकाल लेंगे, ये आ गया पहला डिस्क पैड। तो ये हो चुका है पूरी डिस्क का ऑपरेशन, ये देखिए ये आ गए हैं डिस्क पैड दोनों, और ये आ गए इसकी क्लिप, जो ये क्लिप है वो हम रख देंगे यहाँ इसके वॉशल्स के साथ। और ये रही ये दो, ये देखिए इन पे आप निशान देख रहे हैं, ये वाले पास से दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो इस पे निशान बने हुए हैं डिस्क के, ये आपको एक्चुअली ये साफ़ करने पड़ते हैं अच्छे से, और इस पर भी बने होंगे दोनों तरफ बने होंगे। ये देखिए ये आपको ये जो है ये चीज़ घिसनी पड़ती है, और ये आपको बताता हूँ मैं, ये है ना यहाँ से डिस्क काम करती है, देखिए ये है ये चीज़ काम करती है, ये देखिए ये अंदर से, ये देखिए ये अंदर से आपको दिख रहा है इस साइड पे है, वो आएगा पूरा नया वाला डिस्क पैड, और दूसरी साइड हम ये वाला रख लेंगे ताकि जो ब्रेक काम करती है वो इसी के ज़रिए काम करती है। तो इसको हम रखेंगे इस साइड, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि ये जो डिस्क पैड हैं ये इजीली अवेलेबल होंगे यहाँ पे या नहीं होंगे। जब तक नहीं होंगे तो भाई इसी को जोड़ के तो टेम्प्रेरी यूज़ करने पड़ेंगे, बाकी मैं इसको ऑनलाइन मंगवा लूँगा, अगर ऑनलाइन मिलते होंगे तो ऑनलाइन मंगवा लूँगा। ये देखिए ये रही एल्फी, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा एल्फी लगा के तो यहाँ से जोड़, तो अभी जो है हमने इस पर
एल्फी अप्लाई कर दी है। एफ़ी आपने ध्यान रखना कि नीचे नीचे अप्लाई करो, इसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ये साफ़ है यहाँ। अब इसकी हम अच्छे से सफाई करेंगे, पहले इसको थोड़ा सूखने देते हैं। जब तक ये सूखता है तब तक हम अगली डिस्प्ले भी खोल लेते हैं। चलो आज बाहर जाके मिलते हैं आपको। अगली जब डिस्प्ले खोल के उसको यहीं पे लाते हैं, मत वो भी टूटी हो। हमें इस चाबी को लगाना है और इसको हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। एक ये वाला नट ओपन होगा, एक ये नीचे वाला नट ओपन होगा, तो जो पीछे वाली डिस्क थी उस पर आती है 4 वॉशलें, तो लेकिन जो इस पर हैं इस पर आती है 3 वॉशलें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको भी ध्यान सामने रखना है कि घूमे ना। अगर ये घूम गई तो भाई आपकी जो डिस्क है मैंने पहले ही बताया वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी। जो फ्रंट वाले व्हील में आपको मिलती हैं ये 3-3 वॉशलें, ये देखिए इसमें 3-3 का सेट आता है, पीछे आती है 4-4, यहाँ पे आती है 3, ये देखिए। तो ये आ गई फ्रंट वाली डिस्क और इसके बीच में ये देखिए सेम क्लिप है जो हमने पीछे से निकाला था। अब इधर से निकालना है। अब इसको निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, स्क्रू ड्राइवर। और इसको स्क्रू ड्राइवर को हम यहाँ पर इसमें अटकाएँगे और यहाँ से इसको बाहर खींच लेंगे। ये देखिए ये आ गया ईजिली बाहर, ये आ गया क्लिप इसका बाहर और ये आ गया एक डिस्क बाहर, ये आ गई दूसरी डिस्क बाहर। ये देखिए इस पर भी आपको मैं बताता हूँ सेम निशान है। ये देखिए ये आपको देखे इस पर भी ये देखिए सेम निशान है। अब इसको हम करेंगे साफ। तो ये आ गया भाई अगले डिस्क पैड, ये देखिए इनकी हालत आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गए पिछले, जो एक हमने सूखने के लिए रखा था वो अभी भी थोड़ा सा गीला मुझे लग रहा है, इनको अभी अच्छे से सूखने देते हैं, ठीक है। पहले ही हम कर लेते हैं ये वाले साफ, आपको बताते हैं इसको साफ़ कैसे करना है। एक में हमने ले लिया साफ पानी, एक में हमने ले लिया लिक्विड वाला पानी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको साफ कैसे करना है। ये देखिए सबसे पहले आपको ये लिक्विड में एक भिगो देना है और दूसरे पर आपको इस पर जो इस पर लगाना है आपको लिक्विड, ये देखिए इसके लगाया लिक्विड और इसको आपको करना है रब। और आपको हार्श रब नहीं करना है, बिल्कुल जेंटली रब करना है इसको, ये देखिए। तो जो डिस्क पैड है वो हमने रख दी है सूखने के लिए, ये देखिए इसकी ये देखिए अगर दिख रहे हैं बाहर आ गए हुए हैं, ये चीज़ें रेशे इसके बाहर आ गए हैं, यही चीज़ सब रोकती है साइकिल को। पहले ये चीज़ जो थी वो विजिबल नहीं थी, ये देखिए ये भी हो गए हैं साफ और ये भी हो गए जो है हम इसकी करेंगे डिस्क साफ। ये देखिए डिस्क पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेज है और ये देखिए कुछ हार्श ऐसे मटेरियल भी है, इसको हमें हटाने के लिए यूज़ होगा ये वाला जो हमने पैड साफ़ करने के लिए यूज़ किया था। तो यही हम इसी से हम जो है वो थोड़ी साफ़ करेंगे। इसको हम लेके तो इसको जेंटली तरीके से इस पर रब करना। इसी तरीके से हमने करनी है पिछली डिस्क की साफ, इसको भी बिल्कुल हमने आराम से साफ करना है, कोई भी हार्श तरीके से साफ नहीं करना। इसको हमने कर लेना वाइप आउट। ये देखिए कोई भी कपड़ा होगा घर पे जो थोड़ा सा गंदा होगा उससे आप इसको वाइप आउट कर लो। ये देखिए ये हो गई है पूरी डिस्क साफ, ये देखिए। तो अब जो बात आती है वो आती है इसकी चेन की, तो हम इसकी चेन को कैसे साफ करें वो भी हम इसी से कर सकते हैं। देखिए इसी को हमने बिल्कुल आराम से इतनी उसको साफ़ करना है, ये देखिए बिल्कुल आराम से साफ़ करना है ताकि चेन जो है वो उतरे नहीं, उसका डिरेलर है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ये देखिए तो अब कर लेना हमने इस पूरी चेन को वाइप आउट इसी साफ कपड़े से, ये देखिए। तो इसके जो डिस्क पैड है वो सूख चुके हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखिए ऐसे ये दोनों ज़्यादा नए लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इनके। और ये जो दोनों हैं ये शायद से पिछले हैं, जो पिछले डिस्क में यूज़ होते हैं ये वो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक इसके साथ लगा देंगे, एक जो डिस्क पैड वो इसके साथ लगा देंगे ताकि एक नया हो जाए एक पुराना हो जाए। जहाँ से डिस्क यूज़ होती है वहाँ पर हम नया वाला लगाएंगे दोनों साइड पर, और बाकी जो दूसरी साइड होती है दोनों भी थोड़ा थोड़ा पुराना लगा देंगे ताकि जो ब्रेक है वो हमारी ईजिली वर्क करे। चलो तो मिलते हैं बाहर जाके फटाफट से। डिस्क अपनी जो है सैंपलिंग, इसकी जो डिस्क है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है और ड्राई हो चुकी है। ये रहा इसका कैलिपर और ये देखिए पहले यहाँ पे हम लगाएंगे नए वाला, यहाँ पे हम लगाएंगे पुराने वाला। नया की जैसे हमें एक ये पुराना है और ये कि थोड़ा नया है, इसको हम इस कैलिपर के इधर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये पुराने वाला, जो पैड हैं बिल्कुल हो चुके हैं फिट और यहाँ से इसका लगेगा लॉक। ये देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, इसके पीछे स्पेस ही दिख रही होगी। अब ये जो इसका ये लॉक है ये हम यहाँ फिट करेंगे।
यहाँ से इन दोनों के तो बीच में घुसाना है। और ये देखिए, ये जैसे अंदर जाएगा टक की आवाज़ आई और ये हो गया फिट। ये देखिए, ये हमारे अगले डिस्पैट जो है फिट हो चुके हैं। ये बताता हूँ मैं फिट हुए कैसे, ये ऐसे पता चलेगा। ये देखिए, ये देखिए उधर दिख रहा होगा मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये फिट हो चुका है। इन तरीके से हम इसमें भी जो है डिस्पैट इंस्टॉल कर देंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हो चुके हैं इधर भी फिट, और हम अब इसका लगाएंगे लॉक। ये रहा इसका लॉक, और लॉक को हमें लगाना है। ये देखिए, डिस्प्ले को ऐसे करके इनके बीच में यहाँ पर लॉक को रखना है, और इसको यहाँ से लॉक को कर देना नीचे हमने प्रेस, ताकि ये जो है वो इन दोनों के बीच में फिट हो जाए। और ये देखिए, ये हो चुके हमारे डिस्पैट इंस्टॉल्ड। बताऊँ आपको कैसे लगा। ये देखिए, ये आपको बीच में दिख रहा है मूव हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब डिस्पैट जो है इंस्टॉल हो चुके हैं प्रॉपरली। तो बात आती है इस कैलिपर को लगाने की। इस कैलिपर को जैसे हम डिस्पैट इस पर, और ये देखिए ये आ गया इस पर। और ये जो नट हैं, ये वॉशले हैं, ये हमने वॉशल जैसे उतारी थी, हमें वैसे ही एज इट इंस्टॉल करनी है। दो वॉशलें ऊपर, दो नीचे। और ये देखिए, ये ऐसे करके यहाँ से हमें इस पर निकालना है, और इसको हमें वो नीचे। और जी, इसकी सर्विसिंग हो गई है डन। ये देखिए, अगली ब्रेक मार के आपको बताता हूँ। ये देखिए इसका रिस्पॉन्स, और ये रहा इसका रिस्पॉन्स ब्रेक का। अब आपको चला के मैं रिव्यू बताऊंगा इसका कि सर्विसिंग के बाद कैसा इसका हो रहा। और इसकी सर्विसिंग में मैंने बाकी सारे नट बोल्ट जितने भी आते हैं इसके, वो सारे चेक कर लिए हैं। और ये वाले लूज था, तभी डिस्क से ज़्यादा आवाज़ आती थी। ये वाले मैंने टाइट कर दिए, बाकी सारे नट बोल्ट मैंने चेक करके सारे टाइट कर दिए हैं। अब देखते हैं इसके चला के रिव्यू आपको शाम को बताएंगे कि कैसा रहा है। आपको यहाँ पर छोटा सा ब्रेकिंग टेस्ट करके बताता हूँ, ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स कैसा है। ये देखिए, ये देखिए, जहाँ रोक रहा हूँ वहाँ रुक रहा है, कोई डिस्क में आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं है। दोबारा मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, जहाँ पे रोक रहा हूँ वहीं पे रुक रही है एग्जैक्ट, और बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकिंग हो गई हुई है इसकी। इसको अब अभी पानी से नहीं साफ़ करेंगे, इसको हम, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है मेरा, ये देखिए, इसको हम गीला करके पूरा इसको साफ़ कर देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आ जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए, अभी हम खाली इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको साफ़ कर देंगे पूरा अच्छे से, ताकि देखिए साइकिल हो चुका है पूरा साफ। ये देखिए भाई, बिल्कुल साफ हो चुका है साइकिल, इसके डिरेलर्स वगैरह बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, क्योंकि हमने पिछले बार इससे पॉलिश वगैरह अप्लाई की थी, तो उसके बाद इतना चलाया नहीं है। ये देखिए, सब कुछ ए टू जेड साफ़ हो चुका है, खाली कपड़ा हमारा इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ। और ये देखिए, बिल्कुल टोटली साफ हो चुका है। और कैसी लगी, तो जी कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जिस चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए होगी, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस चीज़ पे हमें एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दो, तो मैं उस चीज़ पे भी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो टिल आगे जाके मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग नए कॉन्टेंट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।